हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन ये है कि सर, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी स्टूडेंट आफ्टर बी फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इतनी कम क्यों होती है, वो इतनी जल्दी इंडस्ट्री क्यों छोड़ देते हैं, उसका क्या रीज़न है, और हमको क्या तैयारी करके जाना चाहिए जिससे कि हम फार्मा इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल हो पाए। तो इसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। और अगर आप इसके लिए पहले से तैयार होंगे तो आप बिल्कुल फार्मा इंडस्ट्री में स्टेबल हो पाएंगे और सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने एक चीज़ देखी है वो देखी है कि कॉलेज का वर्किंग कल्चर और इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर CGMP फॉलो की जाती है, वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ काम करते हैं, वहाँ प्रोटोकॉल पहले से निश्चित होते हैं, वहाँ का वर्किंग कल्चर स्टैंडर्ड होते हैं। वहीं जब हम कॉलेज में रहते हैं तो वहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर हम बिल्कुल लापरवाही के साथ काम करते हैं, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है अपने हिसाब से काम करते हैं, बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं, कई बार हमारा दोस्त प्रैक्टिकल करता है, हम उसकी फाइल लिख लेते हैं, उसके रिजल्ट लिख लेते हैं और साइन करा लेते हैं, चेक करा लेते हैं, मतलब हम बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर होते ही नहीं है कि हम जब CGMP में जाते हैं, जब हम गाइडलाइन में जाते हैं, जब इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो वहाँ पर जब हम वर्किंग कल्चर वहाँ का देखते हैं तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से लड़के जो होते हैं वो जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लड़के जो होते हैं वो इंडस्ट्री काफ़ी जल्दी छोड़ देते हैं। साथ एक बहुत बड़ा रीज़न जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको बताते हैं वो होती है लो सैलरी। जी हाँ, इंडस्ट्री में जब स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी लो होती है, 10 से 15 हज़ार रुपये एज ए स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा होती है, ड्रग को बनाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को लो रखती है। बट ये स्टार्टिंग में ही होता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कंपनी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक केवल ट्रेनिंग देती है और उसके बाद फिर वो आपको वर्किंग में लाती है। तो जब आप परमानेंट हो जाते हैं तब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा होता है और वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। तो स्टार्टिंग में जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहता है, तब स्टार्टिंग में सैलरी काफ़ी कम होती है, बट जैसे ही आप परमानेंट होते हैं वैसे ही आपको इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाते हैं और आप बहुत जल्दी अच्छी खासी सैलरी पे पहुंच जाते हैं। तो कई बार लड़के जो होते हैं वो यही बहाना बनाते हैं कि सर स्टार्टिंग में काफ़ी सैलरी कम थी, हम तो इतना तो आराम से कमा लेते हैं, अपने घर पर रह के ही कमा लेते हैं, अगर हम छोटी मोटी नौकरी करते तो ही हम ये सैलरी अर्न कर लेते। तो कई लड़के जो होते हैं वो लो सैलरी की वजह से भी नौकरी छोड़ देते हैं। बट एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो दवाई बनती है उसकी R&D में खर्चा होता है, उसकी QC में खर्चा होता है, उसकी मार्केटिंग में काफ़ी खर्चा होता है, जिसकी वजह से कंपनी को अपनी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। अब उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है, इसीलिए वो लोगों की सैलरी कम कर देते हैं कि यहाँ से अगर जो पैसा बचेगा वो हमारी ग्रोथ में काम आएगा। इसीलिए क्योंकि अगर आप दूसरी प्लांट्स की बात करें या दूसरे सेक्टर्स की बात करें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके IT सेक्टर की, तो वहाँ पर तो एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, बस उस कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, तो वहाँ पर कंपनी को प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम फार्मा की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी खर्चा हो रहा है। इस वजह से अगर आप IT सेक्टर के लोगों की सैलरी देखेंगे तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही काफ़ी ज़्यादा होती है, वहीं फार्मा सेक्टर के अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो IT सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, मतलब उनकी आधी भी नहीं होती है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि फार्मा के अंदर जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। रीज़न ये होता है कि भारत के अंदर ज़्यादातर फार्मा कंपनीज अपना प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करती हैं, चाहे वो USA हो गया, यूरोप हो गया, और वही उनका अर्निंग का सोर्स है। इसीलिए समय समय पे बाहर की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ में ऑडिट के लिए आती हैं। ऑडिट मतलब एक तरह की चेकिंग समझ सकते हो, ये चेकिंग बार बार होती रहती है, 10 दिन 15 दिन में ये कंटिन्यू ऑडिट चलते रहते हैं। कभी WHO आएगा, कभी USFDA आता है, कभी MHRA आता है, कभी NVISA आता है। तो कंपनीज़ में जो वर्किंग कल्चर होता है वो हमेशा एक जैसा बना होता है, एक डिसिप्लिन के साथ उनको काम करना होता है, क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका ऑडिट फेल हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल भी विश्राम करने का समय नहीं मिलता है कि आप रेस मोड पे आ सकें, आपको कंटिन्यूसली सिस्टमेटिक वे में काम करना होता है, एक जैसा काम करना होता है। और ये कई लड़के जो होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी छोड़ देते हैं। जितनी भी भारत के अंदर फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हैं, क्योंकि एक तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे भारत के अंदर बग्दी है जो कि हिमाचल और पंजाब की बॉर्डर पर है, साथ ही साथ आप गुजरात में ले लीजिए, वापी हो गया, दमन हो गया, या सिक्किम वाला एरिया हो गया, ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज़ यहीं पर सिचुएटेड है। कुछ अहमदाबाद में है,
कुछ हैदराबाद में भी है, इंदौर के पीथमपुर में भी है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, वो स्टूडेंट जो कि इन एरिया के आसपास रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो अपने घर से कई बार अप डाउन भी कर लेते हैं, बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इन एरिया से काफ़ी दूर रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरियों से दूर होते हैं, तो इनको अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो लोग अपने घर को ईजिली नहीं छोड़ पाते हैं, जो जिसकी वजह से वो लोग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं और कोई नए प्रोफेशन को अपना लेते हैं। साथ इंडस्ट्री के अंदर एक कॉमन चीज़ मैंने देखी और वो तो हमारे इंडियंस के खून के अंदर है, वो है लॉबिंग और पॉलिटिक्स करना। जी हाँ, जब भी कोई नया कैंडिडेट डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो लॉबिंग शुरू हो जाती है, कोशिश की जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही डिपार्टमेंट में आपको एक ही लैंग्वेज या एक ही स्टेट से जुड़े हुए लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, और ये चीज़ होती है। पॉलिटिक्स भी आप देखेंगे तो ये चीज़ें कॉमन होती है, और कई बार कोई पर्सन जब दूसरे एरिया से आ जाता है, जबकि लॉबिंग में एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, तो वो लोग या तो उसको परेशान करेंगे या उसको पॉलिटिक्स का शिकार बनाते हैं। तो ये एक बहुत बार देखी गई है, लड़का कई बार इससे परेशान भी हो जाता है और इस वजह से भी वो नौकरी छोड़ देता है। तो ये चीज़, बट मैं आपको बताऊँगा कि भारत में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई भी जॉब ले लो, वहाँ पर आपको ये वाली प्रॉब्लम तो दिखेगी, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होगी, लॉबिंग होगी। तो ये मैं इसको एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप जहाँ जाओगे भारत के अंदर ये चीज़ तो कॉमन है। हर भारत का हर नागरिक को पॉलिटिक्स खेलना आती है, लॉबिंग करना आती है। तो ये तो अगर आपको इंडिया में काम करना है तो इस चीज़ का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो बट ये एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से कई लोग फार्म इंडस्ट्री में स्टेबल नहीं हो पाते। साथ टॉक्सिक वर्किंग कल्चर भी कई बार देखा गया है। टॉक्सिक वर्किंग कल्चर का मतलब होता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया, बट उसकी कभी भी तारीफ नहीं होगी, बट कभी आप एक छोटी सी गलती भी करेंगे तो उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा जिससे कि आपको बहुत बड़ी गलती कर दी है, और बार बार आपको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। अगर आप कोई छोटी सी मिस्टेक करते हैं, आप कभी लेट आ जाते हैं, तो भी आपको बोल दिया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाएगी, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस काफी लो होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन हमेशा ये होगा कि जहां भी आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिले, सबसे पहले आप वहां से निकल जाए। इसकी राय तो मैं खुद देता हूं, क्योंकि वहां पर आप अपना मेंटल पीस खो देंगे और हो सकता है कि आपको बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े हेल्थ वाइज। इसीलिए अगर जहां भी आपको इस तरीके का टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिले, वहां से तुरंत निकल जाइए। तो चलिए अब हम वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं, और कंक्लूजन ये है कि जब भी मैंने इन सभी पॉइंट्स को अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन किया जो कि अभी इंडस्ट्री के अंदर हैं और एक अच्छी खासी पोस्ट पर है और अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं, तो उनसे मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए, तो उन्होंने मुझको केवल एक ही जवाब दिया कि करण, इसको आप अपनी जॉब का एक पार्ट मान लो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स कभी भी फार्मा इंडस्ट्री, खासकर इंडियन कल्चर में और इंडियन सेक्टर के अंदर, ये चीज़ें कभी भी नहीं जा सकती हैं, इनके साथ ही आपको वर्क करने की आदत डालनी होगी। तो कोशिश करो कि आप इन चीज़ों की आदत डालो या इनको अपना जॉब का एक पार्ट मान लो। अगर आपके साथ ये घटनाएं घटती हैं तो आप तुरंत डिसीजन मत लो, एक दिन दो दिन चाहो तो कंपनी जाना ही छोड़ दो, आप कंपनी मत जाओ, दो दिन का ब्रेक लो, घर में बैठो, अच्छा खाना खाओ, पिक्चर देखने चले जाओ, और इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के फिर से नई स्टार्ट करो। ज़्यादातर जितने भी फार्मा के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, जो अच्छी इन जगह पर हैं, इंडस्ट्री के में हैं, प्लांट हेड हैं, मैनेजर हैं, उनके वो यही रूल को फॉलो करते हैं कि जब भी उनका मन विचलित हो जाता है, उनको लगता है कि बस आज नौकरी छोड़नी है, तो वो कुछ नहीं करते हैं, दो दिन तीन दिन का ब्रेक लेते हैं और फिर नई स्टार्टिंग करते हैं। क्योंकि ये सभी के साथ होता है, ये जॉब का पार्ट है, इनको आप हटा नहीं सकते हो। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप इन कारणों की वजह से फार्मा इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हो, तो ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, आपको जाना है और वहाँ पर इंजॉय करना है, रिलैक्स होकर काम करना है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता है और ना ही कोई आपका इंक्रीमेंट रोक सकता है। फिर भी आप आगे आपकी इच्छा है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उस पॉइंट के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।